तो आज के हमारी क्लास में पिवट टेबल की हम सेकंड क्लास पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम पिवट टेबल में समराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। आज के हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे ग्रुपिंग सॉर्टिंग मेथड, ग्रुपिंग सॉर्टिंग मूवी फिल्टरिंग जो मेथड है उन मेथड के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉर्टिंग से, सॉर्टिंग एंड मूविंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक इस डेटा पे लिया और पिवट टेबल इंसर्ट किया। और एक पिवट हम बनाते हैं, मान लीजिए कि मैं मेरे पास जो डेटा है इस डेटा में इसको मुझे हाईएस्ट टू लोएस्ट से लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट करना है। तो राइट क्लिक करेंगे और यहां से सॉर्ट हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, और यहीं से हम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट कर देंगे। तो यहां से इसको हम सॉर्ट किए कर सकते हैं। ऐसे आपका नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए। लेकिन अगर आपके पास दो फीचर हो तो जैसे मैं प्रोडक्ट को उठाया और नेम के नीचे रख दिया, मैंने प्रोडक्ट को उठाया और नेम के नीचे रख दिया। अब मैं अगर शॉर्ट करता हूं यहाँ पे राइट क्लिक शॉर्ट, तो अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके शॉर्ट किया तो मैं प्रोडक्ट शॉर्ट सर हूं। थोड़ा सर थोड़ा रिकॉर्डिंग का परमिशन दीजिए ना। जी एक मिनट पुनीत जी, दे सर, दिया। मैं वापस एक बार, एक्चुअली मेरा सिस्टम बंद हो गया था। तो जिस आइटम में मान लीजिए मैं इसकी डीवीडी का एक किया है तो ये शॉर्ट होगा डीवीडी के हिसाब से शॉर्ट होगा, मतलब कि इस प्रोडक्ट के हिसाब से शॉर्ट होगा। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया और शॉर्ट किया तो फिर आपका नेम के हिसाब से शॉर्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, कर्सर जहां पर रखेंगे उसके हिसाब से शॉर्ट होगा। और सेम कॉलम वाइज डेटा आपका है तो आप कॉलम के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकते हो, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो इस तरह से। तो सॉर्टिंग जो होती है हमारी रो भी होती है और कॉलम वाइज भी होती है। रो के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं एंड कॉलम के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग समझ में आ गई आप लोगों को? सर वापस बताएंगे थोड़ा, एक्चुअली मैं मेरा बंद हो गया था पीसी। ठीक है, देखिए शॉर्टिंग क्या होता है, जैसे आप कोई रिपोर्ट बनाते हो तो जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने नेम को यहाँ रखा, तो शॉर्टिंग आपके डेटा के अकॉर्डिंग होता है। जैसे डेटा का जो सिक्वेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट होता है। देखिए आप उसको अल्फाबेट, मतलब कि अगर आपका जो रो लेवल है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं तो उस पर आप कर्सर रखें, राइट क्लिक करें और यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो वैल्यू फील्ड रखा हुआ है तो वैल्यू पे कर्सर रखें और आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके लेकिन उसी में अगर मान डबल फील्ड हुआ, जैसे मैंने प्रोडक्ट को यहां से उठाया और प्रोडक्ट को नेम के नीचे रख दिया, अब मैं यहां से राइट क्लिक करके शॉर्ट करूंगा तो प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करे किया तो नेम बाय शॉर्ट होगा। अब मैंने क्लिक किया प्रोडक्ट पे तो हमारा प्रोडक्ट बाय शॉर्ट होगा। और सेम अगर आप उसको कॉलम में रख देते हैं तो कॉलम के हिसाब से शॉर्ट होता है। राइट सर, समझ में आया सर आपको? हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग नहीं कर सकते जैसे वो डीवीडी सीटी एसडी एमबी?
नहीं, कस्टम सॉर्ट आप बोल रहे ना, जैसे किस नॉर्मल सॉर्टिंग में हमने कस्टम सॉर्ट पढ़ाया था वो चीजें यहाँ नहीं है। यहाँ अगर सॉर्ट पे कस्टम मोर एंड सॉर्ट ऑप्शन जाते हैं तो यहाँ पे ये बताता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग और किसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हो, सिंपल। ठीक है, नहीं ये सर हॉरिजॉन्टल जैसे ये आ रहा है ना मेरा, सी डी डीवीडी हाँ ये ईसीजी सॉर्ट एस कर डी सकते हैं एन बी ना, इसको सॉर्ट कर सकते हैं ना, जैसे मैं सॉर्ट के लिया और मैंने ए कर दिया, ए टू जेड, ए टू जेड तो है ही नहीं, जेड टू ए कर देता हूँ। ओके, ओके और इसकी वैल्यू को भी कर सकते हो, मैं चाहता हूँ सबसे राइट क्लिक करके मैं इसके करता हूँ शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे लार्जेस्ट आया फिर धीरे धीरे स्मॉलेस्ट बढ़ता गया। ठीक है सर, अब बात करते हैं मूविंग की। जैसे मान लीजिए कि नीरज सबसे लास्ट में है ना सर, अब अल्फाबेटिक या सॉर्ट करूं या वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट करूं तो सबसे नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे इसको सबसे टॉप पे रखना है, कोई कारण है, कोई रीजन है, इसलिए मुझे इसको सबसे टॉप पे रखना है। क्या करना है इसको, राइट क्लिक शॉर्ट, और शॉर्ट यहां पे, सॉरी माफ कीजिए, शॉर्ट नहीं, मूव हो गया यहां पे, मूव मूव नीड टू ओके बिगिनिंग, उसे ऊपर आ गया। ऐसे मूव टू एंड, ऐसे मूव टू लेफ्ट टू राइट टू अप, आप कर सकते हो। ओके, क्लियर है सर। यस सर यस सर कैसे यहां से मूव कर सकते हैं, सॉरी, तो मूव आप माने कि टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, तो लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, इसको भी आप करो तो मूव कर सकते हैं, मूव बिगिनिंग, इस तरह से इसको भी मूव की जा सकती है। ओके ओके मूविंग समझ में आ गया, यस सर सॉर्टिंग एंड मूविंग पे। उन्हीं जी संग्राम जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कोई डाउट इसमें? एक्चुअली नहीं सर सर मेरा नेट बंद चालू हो रहा है, आज आज थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके अब मैं लिए रिकॉर्ड देख नहीं करके दे पाया दूंगा, हूँ, चिंता आप मेरे मत। को थोड़ा, हाँ आप रिकॉर्ड करके आप थोड़ा भेज देना। अब बात करते हैं फिल्टर के ऊपर। फिल्टर मतलब कि जैसे कि आप, मैंने यहाँ पे मैं डेट को यहाँ, सिटी को मान लीजिए, मैंने सिटी सिटी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर सिटी लेना है, ओके, तो यहां पे हम फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर के दो नियम हैं, पहला फिल्टर तो आप यहां पे लीजिए और जो आपको सिलेक्ट है उसको चेक अनचेक कर दीजिए, जिसको करना है उसको चेक, जिसको नहीं करना है उसको अनचेक कर दीजिए। एक चीज तो आप यहां से ही कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं। जैसे कि इसमें अगर हम लेबल की बात करें तो ये जो दिख रहा है इसको लेबल कहा जाता है और वैल्यू ये होता है, ऊपर जो आपको दिख रहा है लेवल फिल्टर, तो लेवल फिल्टर इस पे अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ दिल्ली और न्यू दिल्ली दो है, तो मैं क्या करूंगा फिल्टर में, यहाँ इसमें लेवल फिल्टर में कंटेन, और कंटेन में मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों को फिल्टर कर देगा अगर होगा तो, राइट। इसी तरीके से आप इक्वल डज नॉट इक्वल, बिगेन विथ डज नॉट बिगेन विथ, एंड विथ डज नॉट एंड विथ, कंटेन डज नॉट कंटेन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन, ये सारे फीचर्स को अप्लाई कर
कर सकते हैं। क्लियर है सर? हमको ये इक्वल्स में हम तीन से ज्यादा अगर रिजल्ट एक दो से ज्यादा या एक से ज्यादा कॉमा करके डाल देंगे या स्टार क्या क्या लिखेंगे? क्या मतलब इक्वल समझे नहीं? एक यहाँ पे तो एक बार में एक ही लगेगा ना। अगर मुझे एक और लगाना है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं सेलेक्ट नहीं, जैसे आपको इक्वल कर रहे हो आप, एक और लगाना है तो आपको कस्टम पे जाना होगा। इसमें कस्टम नहीं है, वो फिल्टर में होता है। अब यहाँ ना यहाँ पे सर्च कर लीजिए ना, जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे पुणे चाहिए तो पुणे सर्च किया तो पुणे इसमें नहीं है। मैं इसमें मुंबई करता हूँ, मुंबई मुंबई मैनुअली हो जाएगा ना, एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसा लिस्ट डाल दूं ऊपर कुछ? नहीं 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 सर, मन मन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा मुझे इसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है, नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा लेवल फिल्टर होता है। लेवल फिल्टर में आप यहाँ वैल्यू फिल्टर में आप यहाँ पे इक्वल टू पर्टिकुलर नंबर, इज नॉट इक्वल टू उस नंबर के अलावा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड बिटवीन नॉट बिटवीन। टॉप 10 भी यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर दे सकते हैं, 5 कर दिया तो यहाँ पे देखिए टॉप रो 5 आ जाएगा। और जैसे फिल्टर हम यहाँ पे ओरिजिनली कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलम वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए नेम को यहाँ रख दिया, यहाँ पे फिल्टर आ रहा है ये आपका रो के हिसाब से फिल्टर है, और यहाँ जो फिल्टर ऊपर आ रहा है वो कॉलम का फिल्टर है। जैसे मैंने कॉलम पे गया और मुझे मान लीजिए कि यहां से नीरज और उदय ट्रेन चाहिए तो नीरज और उदय आएगा। उसी तरह से मुझे इसके टॉप 10 चाहिए तो यहां से आप टॉप 10 लीजिए, मैं टॉप 10 के जगह पे टॉप 3 कर देता हूं एंड ओके, यहां पे टॉप और 3 आ गया। ठीक है सर, तो आप फिल्टर लगा सकते हो। ये जो फिल्टर हुआ ये तो हमारा कॉलम फिल्टर रो फिल्टर कहलाता है। अब एक फिल्टर होता है फिल्टर, जो ये फिल्टर का सेक्शन दिख रहा है इसको पेज फिल्टर कहा जाता है। तो यहां पे आप अपने हिसाब से कई सारे फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेल्स मोड में गया, मैं सोचता हूँ डायरेक्ट लू, और फिर मैंने बोला कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो डीवीडी होना चाहिए, उसका ऐसे और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं आप यहाँ। जैसे मैं चाहता हूँ साइट को रखना, यहाँ से आप साइट को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आईपीटी इंडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीपल एक बार में कई सारे को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल करेंगे ना तो कई सारे को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देख तो मैं यहाँ पे और डायरेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है सर, तो ये थी हमारी फिल्टर। तो हमने अभी तीन टॉपिक की बात की, शॉर्टिंग, मूविंग एंड फिल्टर, तीन टॉपिक कर लिया। चौथा टॉपिक आता है ग्रुपिंग, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा लिया और मान लीजिए कि मैं अपना नेम ही यहां रखता हूं नेम, और यहां पे मान लीजिए क्वांटिटी रख दिया। अब इसमें क्या है हमारा कि कविता और योगेश दोनों एक ही टीम में, बेसिकली ये बाकी सब जो है टीम लीडर्स हैं, बट इनका कविता और योगेश का कोई टीम लीडर नहीं है। इसको हम लोग के प्लस वाई कहते हैं। तो इन दोनों का सम मुझे इकट्ठा एक जगह पे चाहिए, तो इन कंट्रोल प्रेस करके हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। Then right click and हम करेंगे ग्रुप। ग्रुप होते ही यहाँ पे देखिए आपका ग्रुप वन आ गया, कविता योगेश इस ग्रुप के अंदर इकट्ठा हो गया। और साथ में आप यहाँ देखेंगे कि जो रो है इसमें आपको नेम एंड नेम टू दो फीचर्स आ गए। आगे ना सर? यस सर। इसमें से नेम टू को रखने दीजिए और नेम को हटा दीजिए। अब यहाँ पे ग्रुप वन के जगह पे आप जो लिखना चाहे
आप अपना हेडिंग, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि हम हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, साथ में इसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ चेंज किसको नहीं कर सकते, हमारा जो वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जितने भी टेक्स्ट को आपको ग्रुप करना है, जस्ट सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद उसको ग्रुप की जा सकती है, राइट सर। देखिए इसी में अगर नंबर ग्रुपिंग की हम बात करें, नंबर ग्रुपिंग क्या है, जैसे कि मेरे पास क्वांटिटीज है तो मैं ये देखना चाहता हूं कि किस क्वांटिटी की कितनी ऑर्डर आता है, तो मैंने नेम को काउंट में रखा। इसमें मान लीजिए 10 जो 17 आता है, 11 की क्वांटिटी 52 आती है, 12 की क्वांटिटी 26 आती है, ऐसे इन्होंने क्वांटिटी दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि स्लैब में हुए ये जो हो, एक स्लैब में हो, तो स्लैब राइट क्लिक किया और गया ग्रुप, और ग्रुप में ये देखिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक डेटा अकॉर्डिंग आ जाता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। 02 हमने यहाँ पे 100 कर दिया, और 10 का ग्रुप तो इसको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जितना चाहोगे उतना ही का ग्रुप आएगा। क्या गया लेस देन 0, 10 टू 19, 20 टू 2019, 30 टू, दिख गया सर, इसकी ग्रुपिंग की जा सकती है, ठीक है सर। ये जिंग बनाने में काम आ जाता है। समझे कि नहीं समझे सर, दोबारा बताऊं, सिर्फ दोबारा समझाता हूं सर। एक्चुअली मैं नेट स्लो है थोड़ा, इसका रिकॉर्डिंग है सर, मुझे भेज दीजिए। हां जैसे कि मैंने यहां पर प्राइसिंग है, मैं मुझे देखना है कि किस प्राइसिंग का अमाउंट जो है, प्राइस है हमारा कि किस प्राइस का कितना सेल हो रहा है, या किस क्वांटिटी रेंज ऑफ क्वांटिटी, मतलब एक नंबर काम करना चाहते हैं, या कितने कितने एक, किस कॉल के मतलब कि कितने कॉल्स करने पे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, जस्ट मुझे पता करना है। तो मैंने क्या किया, टोटल कॉल्स यहाँ दिख रहा होगा, उसको उठा के रो में रख दिया, और हमने क्वांटिटी को उठाया और इसमें रख दिया। तो 10 कॉल हमने किया तो 13 आया, 12 कॉल करने पे 12 आया, 13 कॉल करने पे ही आया। तो मैं चाहता हूँ 10 से 20 का पूरा सम अप दिखा दे, क्योंकि ऐसे 10 11 12 13 करेगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो राइट क्लिक किया और हम ग्रुप में चले गए, और हमने यहाँ पे मिनिमम आ गया, ये हमारा मैक्सिमम आ गया, और ये हमारा ग्रुप बाय हो गया। ये बता देता है कि कितने से कितने स्लैब में क्या कितना आया है। 10 का ग्रुप कर सकते हो, 15 का ग्रुप कर सकते हो, इस तरह से आप नंबर की ग्रुप कर सकते। नंबर ग्रुपिंग के बाद अगला आता है टेक्स्ट। अब देखिए मेरे सर इसको क्या बोल रहे हैं, सर क्या बोल रहे हैं सर, ये ग्रुप बाय में हम जो बाय मिनिमम मैक्सिमम के नीचे ग्रुप बाय जहां कर रहे हैं हम, इसको हम चेंज कर सकते हैं बाय टाइम, आपको सब तीनों को चेंज कर सकते हैं, एक बार ग्रुपिंग करेंगे ये तीनों को चेंज कर सकते हैं एक बार, ठीक है। मैं काम करता हूँ ना, मैं 100 बाई 5 करेंगे, ठीक है, ओके ओके। और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है ग्रुपिंग में डेट की ग्रुपिंग। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो डेटा है, इस डेटा में सिर्फ डेट है, समझे, डेटा में क्या है, जस्ट डेट है। मुझे मंथली रिपोर्ट चाहिए या क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए, तो यहां हम डेट को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे आप किसी डेट को उठा रखते हो तो आप बाय डिफॉल्ट इस तरह से ग्रुप होता ही है, बट ये ग्रुप सही नहीं होता है, तो इसको सबसे पहले तो अनग्रुप करें। उसके बाद मान लीजिए मैं क्वांटिटी और जो भी अमाउंट चाहिए मैंने रख दिया,
मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और करता हूँ ग्रुप। अब इसमें मेरे पास यहाँ मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम डेट है, इसको चेंज की जा सकती है। मुझे मंथली चाहिए तो मंथ को सिलेक्ट किया, मेरा मंथली ग्रुप हो गया। वापस ग्रुप में गया, मैं इसको क्वार्टरली सिलेक्ट किया तो क्वार्टरली हो गया। फिर मैं इसको ग्रुप में गया, मैंने इसको ईयरली किया तो ईयरली। एक कीजिए, एक से ज्यादा कीजिए, ग्रुप हो जाता है। लेकिन मुझे चाहिए 15-15 दिन की गैप, या फिर 90 दिन का, या फिर एक पर्टिकुलर डेज के हिसाब से ग्रुप चाहिए। तो सिर्फ डेट को सेलेक्ट करें और यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। तो मैंने 15 दिन का डाला तो 15 डेज का ग्रुप आ गया। इसको हम डेट ग्रुप कहते हैं। इस तरह से डेट की ग्रुपिंग की जाती है। तो डेटा में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर डेट है, आपको मंथली रिपोर्ट चाहिए तो मंथली आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि जो आपका डेटा है, जो भी आपका डेटा है, उस डेटा में अगर आप डेट बोले हैं तो इसमें डेट ही होना चाहिए। बीच में अगर कोई टेक्स्ट अगर आ गया हुआ है तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। किसी को डाउट इसमें? हेलो? नहीं नहीं तो चलिए इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को डेटा अवेलेबल है या डेटा चाहिए? डेटा भेज दीजिए सर। ठीक है, तो मैं इसी डेटा को आपको भेज देता हूँ। ओके। और सर वीडियो भेजिएगा, मेरे को वापस देखना पड़ेगा। हाँ, वीडियो सुबह तक मिल जाएगा आपको सर। अभी तो नहीं मिलेगा सर, मुझे भी सर वीडियो सर भेज देना। वीडियो सर मुझे भी सर वीडियो भेज देना। जी मैं सर भेज दूंगा। ठीक है ठीक। सर एक्चुअली सुबह मैं आपको मैसेज किया था सर, आप थोड़ा बिजी थे तो बात कर नहीं पाया। तो सर कल फ्री होंगे सर? हाँ कल फ्री है। आपको अगर कुछ मुझसे बात करें, कुछ पूछना है ना सर, तो 2-5 के बीच में कीजिए, मैं फ्री रहता हूँ, बैठ कर मूवी देखते रहता हूँ। जी ठीक है सर, ठीक सर।